हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी आफ्टर गाली का सीजन 4 का एपिसोड 6, आइए देखते हैं। भागे कैसे भाग रहे हो ना? अरे गुलामी से आजादी ना। ये लुटेरा है। आज फिर हमारा एक अच्छे दिन है मियाली। एक बार फिर बाजार जाने वाले काफलों से खूब सोना लुटा है हमने। इसके लिए हमारे दोस्त हैरिस का शुक्रिया। मियाली, क्या हुआ? कोई नया काफला आ गया क्या? इस बार काफले से ज्यादा कीमती शह है। क्या है वो? काई कबीले का सरदार अर्थुन। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं मुझे यकीन है कि वो अर्थुन लिखा फटी। अब फटी इसकी। किस्मत हम पर मेहरबान है, असल माल तो अब। अरे यार गुलामों का ताजिर सिंह को तो ये अब्दुल तुम्हारे पास था। जल्दी यार इसको कबूतर के जरिए खबर भिजवाओ। और गुलामों के ताजिर सिंह के पास है और अब हम उसे पकड़ने उसके पीछे जा रहे हैं। जैसा मुझे ऐसा लग रहा है। मौत को मैं कबूल नहीं कर सकी थी अब तक। तुमने आकर एक नई उम्मीद जगा दी है। ये सब लोग मुझे दीवाने कहने लगे शायद। हो सकता है मजाक भी उड़ाने लगे। चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता है। हो कभी यही खुशी की खबर है मेरे लिए, क्योंकि कोई भी अब्दुल के लिए मेरी दिल में जागती उम्मीद को खामोश नहीं करा सकता। या अल्लाह, तूने ही मेरे दिल में उम्मीद का दिया रोशन किया है। उम्मीद आ रही है। तू ऐसा ना करता अगर
अगर इसके पीछे कोई मकसद ना होता, या तो इन उम्मीद के शोरों को भड़का दे, क्योंकि अब मुझ में फंसी हिम्मत नहीं बची। शरीक है।
यानी मुझे इसके साथ ही आपको भरपूर कोशिश करके असलहान खातून और दुर्गुप्त सिपाही की शादी को हर सूरत रुकवाना है। वो शादी किसी कीमत पे ना होने पाए, समझ गए? वो तो होके रहेगी। समझ गया अमीर हजरत। आना अब चावदार कबीले वापस जाकर चिरका बुलाई सरदार के इंतखाब के लिए और मैं सोना लुटेरे ले जानी चाहिए। मैं साथ रहता हूँ। नहीं ना लुटेरे के लिए तुम के पीछे जल्दी
फैल मां। मंजिल क्या है आपकी? शहादत। किसकी तलाश है? वतन कहाँ है? पूरी दुनिया यार तो भाई के बिना कनेक्शन बाहर भी देख सकते, वो अंदर ही अंदर उनको बहुत कुछ पता रहता है ना। पहले देखा है यार, सबसे पहले स्टार्टिंग में लेटर्स लिखते थे। बड़े साहब ने आपके लिए मकतूब भेजा है, Thank you.
सिर्फ मिहालिस ने ही नहीं, उसके आदमी ने भी देखा है उसे। मर चुका है वो, मैंने उसे मारा था। मिहालिस उसके पीछे गया है जनाब। कहाँ देखा था उसने उसे? गुलामों के ताजर सिमको के पास था। उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। दफा हो यहां से फौरन। दरवाजा खोलो। उस ताजर सिमको के पास था वो। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया, वही अल्लाह जो कुन फयकून का मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के मौजिज और बहादुर सरदारा, बाजार की मना कर दो, मना कर दो। आप सब वाकिफ हैं, ना कोई कारवान आ रहा है और ना ही कोई ताजिर। हर तरफ शैतानियत है। हम कारवानों को मजीद लुटेरों से नहीं बचा सकते और मामला ऐसे नहीं चल सकता, जाहिर है। इसी वजह से मैंने बाजार को बेचने का फैसला किया है। क्या करें? इस तरह से अगर हमने बाजार बेच दिया तो बाजार अगर बिक गया तो हम क्या करेंगे? बाजार नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। कुछ सही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बेचने के बाद उसे बाजार नहीं बिकने को जाएंगे? अगर बाजार बिक गया तो हम सबका जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मौसी जी, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? कबीले में मौसी जी, मौसी जी, आप जानते हैं कि वो बात है, आप इसको इस तरह समझिए। अब तो वैसा ही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाजार को बेचना तुरुल साहब की अमानत के खिलाफ जाने के मुतरादिफ होगा। दुनदार साहब, उनके मकसद को फरामोश करना होगा। ही मैंने जो भी किया कबीले की भलाई के लिए किया, और अगर भाई होते तो ऐसा ही करते। नहीं भाई, ऐसा करते ही दुआओं के साथ शुरू होने वाले छिड़के में इस अंदाज में गुफ्तगू मुनासिब नहीं। बाजार को फरोख करके मिलने वाले सोने से ये कबीला बर्बादी से सलामती की जानिब सफर करेगा इंशाअल्लाह। सबका फैसला अपनी जगह, लेकिन आपका फैसला सबसे अहम है। हाइमा खानम, आप क्या कहती हैं इस बारे में? हाली बाजार अगरचे मेरे बेटे अर्थुरुल और शहीदों की अमानत है, लेकिन ये भी सच है हम पर बोझ बन गया है। उन्होंने कबीले के मुस्तकबिल के लिए ये बाजार हासिल किया था। अब अगर कबीले की सलामती के लिए पड़ रही है तो इसे बिकने दें। फैसला आपके हाथ में है। कैसे हो सकता है ये? मतलब ये ऑफिशियल फैसला है। बाजार अगर बिक गया तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। हमारे लिए यहाँ रुकना लाजमी नहीं है। उनके साथ मुत्तहिद करने का वक्त आ गया है। हाँ, ये भी सही दोस्त है। बात तो ठीक है, सही बात है। इनकी बात भी अपनी जगह सही है। बाजार बिक जाने के बाद हमारा कुंदुंदू और सुगुर्दा के भाई की जाने वापस लौट जाना मुनासिब होगा।
सोचो भी कैसे फरार होने का अर्दुल साहब। तुम मेरे सबसे कीमती गुलाम हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बेहतर होगा हथियार फेंक दो। जितना तुमसे हो सकता है कोशिश कर लो, लेकिन गुलाम नहीं बनूंगा मैं। पकड़ लो इसे। भाग जाओ, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। भागो। कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचाए इसे, मुझे ये जिंदा चाहिए। क्या बात है, लड़ा सुन लो सात दोस्त। मसला कबीले की सलामती का नहीं रहा, बल्कि अर्तुल साहब के मकसद से रूगर्दानी बन चुका है। बाजार बेचना और इस सरजमीन को छोड़ के जाना अर्तुल साहब के अजीम मकसद के खिलाफ जाने के मुद्रा देते हैं। सही बात है, ये हम अपने मकसद को छोड़कर नहीं जा सकते। अर्तुल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें एक और जिरगा बुलाने की जरूरत है। एक और जिरगा? क्या होगा यानी कि बिल्कुल जिरगा बैठे ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी जिरगे में नहीं बैठेंगे जो तुमको समझ में नहीं आ रहा बेटा। आप तुम्हारे सरदार साहब के मकसद की हिफाजत के लिए सरदार मुंतखब किया था, लेकिन इनका इरादा मकसद के खिलाफ जाने का है। ऐसी सूरत में इनकी सरदारी हरगिज काबिल कबूल नहीं। सरदार के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो आप हैं दुमदार साहब। आप पर्दे बाहर के नहीं बल्कि एक अजीम मकसद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। राइट। बिल्कुल सही कहा, सही बात, बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुनासिब बात कर रहे हैं कि बात बिल्कुल सही है। किचन का बुला लिया। दुमदार साहब के मुकाबले खड़ा होने के लिए कोई उम्मीदवार है? बिल्कुल है हाय वफ़ा। अर्तुल भाई के अजीम मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मैं हूँ सरदारी। सही कर रहे आपस में लड़ेंगे और इस सेक्टर में किसका होगा? कहीं
और इस चक्कर में अर्थरूल का पैदा हो जाएगा। लड़ो आपस में थोड़ी कम करो, बाकी लोग को अर्थरूल मार देगा। हाथ 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 तो कैसे क्योंकि वो गलत कर रहा है यार। बाजार में सही तादाद तो नहीं बता सकता मेरा सर, लेकिन अर्तुल भाई की कवानीन और बाजार के सड़क पे होने की वजह से खरीदारों और ताजिरों दोनों के लिए कशिश का बाइस। और ये बताओ कि ये बाजार कितना मुनाफा बख्श है? बहुत मुनाफा बख्श है मेरा सर, ये बाजार इसके मालिक के लिए खजाने से कम नहीं। आला, फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस बाजार को बढ़ाने के लिए जो इकदाम जरूरी है वो किए मेरे लिए मेरी आंखें और कान बन के रहोगे। तमाम मालूमात बराबर फराहम करोगे मुझे, समझ गए मेरी बात? बिल्कुल समझ गया मेरे सर, इजाजत दीजिए मुझे। जल्दी अर्थरूल पहुंचे यार, यहाँ पे सब तहस नहस होना है। आज शाम के खाने पर आपका कौन सा तोहफा से वितरण करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा जमींदार रहस, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बताओ, बताओ मारिया, सच सच बताओ।
की अच्छी कीमत मिली और खुद से ही बता। मुझे तुम्हारी एक बात का भी एतबार नहीं मारिया, एक लफ्ज का भी नहीं। सिमको कहाँ है? मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं मालूम। इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और आई अरे यार, एक तो अभी अर्तुल इससे निकल गया तो लुटेरे पड़ गए पीछे, मतलब पहुंचेगा अर्तुल जी के तो हालत खराब होते जा रहे। बट मेरे को अच्छा लगा अर्तुल भाई सही। और हरी माँ भी फुल सैड ले रही, वो क्या कर रहा है यार, ऊपर से भी उसको बोलते ना क्या बहादुर सर, बहादुर क्या नाम है उसका, कौन वो चादर में जो गया है, बहादुर साहब वो अभी एक है, उसको भी सिक्के विक्के मिले वो बाजार। लेकिन इधर गेम घुमा दिया ना, अभी पहला डिस्कशन होगा सरदार का, बाजार का तो बाद में, बाद में। और ऊपर से आरतू भाई को भी वो खबर मिली है ना कि मैं आ रहा हूँ, तो तब तक तो और अपने भी मालूम पड़ेगा कौन आ रहा है, हमेशा वो किसी ना किसी से होता ना ऐसा करते ही है तलवार इतने हाथ से बहुत लोग है वो तो है, पर ऊपर से जख्मी भी है अर्तुल थोड़ा बहुत। मुझे चाहिए तुर्कुत मिल जावे अभी, तुर्कुत है ही हां अभी रिटर्न आते शायद, रिटर्न आते टाइम या कुछ ऐसा पता चल जाए। चलो देखना होगा आगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।